रेट्रो लुक्स, मॉडर्न स्टाइल और मॉडर्न फीचर्स, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है जावा एसजी मोटरसाइकिल्स के साथ में। मैं आज आया हूं जावा एसजी डीलरशिप पे और आपको कंप्लीट लाइनअप दिखाने वाला हूं यहां पर, क्या कुछ आपको जावा एसजी मोटरसाइकिल्स के साथ में देखने को मिलता है, कौन कौन से मोटरसाइकिल्स आते हैं, किस कीमत पर आते हैं और उनमें क्या कुछ खास फीचर्स आपको कंपनी ऑफर करती है। तो तमाम जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हो तो जंक्शन। डिटेल में आपको बताने वाले हैं जावा एसजी लाइनअप के बारे में। हाल फिलहाल अगर आप जावा लाइनअप के अंदर देखो तो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो मिल रही है वो मिल रही है बॉबर मोटरसाइकिल को। खास बात यह है कि सिर्फ जावा ही आपको हाल फिलहाल बॉबर ऑफर कर रहा है 2 से 2.5 लाख रुपए सेगमेंट के अंदर। इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में आपको बॉबर कोई और ऑफर नहीं करता है और इसीलिए जावा की बॉबर्स को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। यहाँ पर 2 मॉडल्स आपको मिलते हैं। पहला है जावा पराग जो आपको रेट्रो स्टाइल के साथ में देखने को मिलता है। 334 cc का आपको यहाँ पर लिक्विड कूल इंजन ऑफर किया जाता है। सिंगल कलर के साथ में आपको ये देखने को मिलती है, एक ही वेरियंट आता है, एक ही ऑप्शन आता है। स्पोक व्हील के साथ में ये बाइक आपको मिलेगी। कीमत शुरू होती है 2,13,000 रुपये से एक्स शोरूम। अब एक और वेरिएंट या ऑप्शन आप कह सकते हो बॉबर में आपको मिलता है, जो कि है मेरे साथ में जावा 42 बॉबर। यहाँ पर आपको मॉडर्न टच ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा कलर ऑप्शंस हैं, फीचर्स भी आपको मॉडर्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि LED लाइटिंग सेटअप है, डुअल टोन टाइप के कलर्स आपको मिलते हैं, फुल डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है, स्पोक व्हील और अलॉय व्हील दोनों के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वेरिएंट्स ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, 4 कलर ऑप्शंस हैं और यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि स्पोक और अलॉय का ऑप्शन आपको मिलता है। कीमत शुरू होती है 2,09,000 रुपये से एक्स शोरूम, जो कि जाती है 2,29,500 रुपये एक्स शोरूम तक। टॉप वेरिएंट ये है जो कि 42 बॉबर ब्लैक के नाम से आता है, जहाँ पर ये क्रोम और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। खास वजह यही है कि डिफरेंट लुक आपको ऑफर करती हैं, मॉडर्न फीचर्स आपको ऑफर करती हैं और जो इन बाइक्स की रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलती है। अब सेकेंड मॉडल की अगर बात करूं तो ये है मेरे साथ में जावा 42। ये 42 का 2.2 वर्जन है, यानी कि यहाँ पर आपको पुरानी 42 के कंपैरिजन में ज़्यादा फीचर्स कंपनी ऑफर करती है और ये बाइक आपको रेट्रो मॉडर्न लुक्स के साथ में देखने को मिलती है। रेट्रो स्टाइलिंग आपको इसके लाइटिंग सेटअप में नजर आएगी, हेलोजन आपको देखने को मिलता है। मॉडर्न की बात करें तो फुल डिजिटल मीटर कंपनी ऑफर करती है, अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर्स ऑफर करती है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 294 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन ऑफर किया जाता है और ये जावा एसजी लाइनअप की इकलौती ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें आपको ये 300 cc वाला इंजन देखने को मिलता है। ये बाइक लो सीट हाइट के साथ में आती है, तो जिन लोगों को लो सीट हाइट वाली बाइक चाहिए, जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी कीमत की बात करूं तो लगभग 1,98,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस के साथ में आपको जावा 42 2.2 भारतीय बाजार में देखने को मिलती है। बाकी 42 के अंदर आपको ग्लोसी कलर्स का ऑप्शन भी मिलता है और मैट कलर का ऑप्शन भी मिलता है। तो जो भी पेंट स्कीम आपको ज़्यादा पसंद आती है, ग्लोसी आप ज़्यादा पसंद करते हो या मैट आप ज़्यादा पसंद करते हो, तो दोनों ही विकल्प जो हैं वो आपको जावा ऑफर करता है। आप अपने पसंद के हिसाब से जो खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो। जावा लाइनअप के अंदर जो लास्ट मॉडल आपको मिलेगा वो है जावा 350। ये बाइक जो है वो कंप्लीट रेट्रो स्टाइलिंग के साथ आपको देखने को मिलती है। जैसा कि फर्स्ट टाइम जावा जब इंडियन मार्केट में आया था तब आपको ऑफर किया जाता था, तो उसी तरह के लुक्स आपको यहाँ मिलेंगे। हेलोजन लाइटिंग सेटअप आपको मिलेगा, क्रोम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, टैंक के ऊपर क्रोम है, इंजन क्रोम है, एग्जॉस्ट वगैरह में सब जगह आपको क्रोम देखने को मिलता है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 334 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, जो लगभग 22 PS की पावर आपको ऑफर करता है। और ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन लोगों को रेट्रो स्टाइलिंग पसंद है, जिनको क्रोम ज़्यादा पसंद है और जो स्पोक व्हील और रेट्रो फील चाहते हैं, तो उनके लिए जावा 350 भारतीय बाजार में आती है। इसकी कीमत की बात करूं तो लगभग 2,15,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस के साथ में आपको जावा 350 बाजार में मिल जाती है। अब देखो जावा एसजी की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बनाई जाती हैं उन लोगों के लिए जिनको सिटी में चलना है, लॉन्ग राइड जाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सेफ्टी गियर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में जावा के अंदर आपको राइडिंग गियर्स भी देखने को मिल जाएंगे, राइडिंग जैकेट्स आप देख सकते हो, टी शर्ट्स वगैरह आपको मिलती हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको जावा के शोरूम में देखने को मिलती हैं। अब जावा लाइनअप के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं एसजी लाइनअप की, क्योंकि जावा एसजी आपको एक ही शोरूम के अंदर देखने को मिलती हैं।
ये है मेरे साथ में यसदी रोडस्टर, जो कि यसदी लाइनअप में अगर आप देखते हो तो बेस मॉडल या फिर स्टार्टिंग मॉडल आप कह सकते हो। यसदी रोडस्टर आपको मॉडर्न लुक्स के साथ में देखने को मिलती है, जहां पर आपको अलॉय व्हील, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस मिलता है, एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, फुल डिजिटल मीटर मिल जाता है। और ये मोटरसाइकिल बनाई गई है उन लोगों के लिए जिनको मेजरली सिटी में चलना होता है, कभी कभी लॉन्ग राइड्स करना है, ऑफ रोडिंग वगैरह जाना है, और जिन लोगों को कंफर्ट ज़्यादा चाहिए तो उनके लिए यसदी रोडस्टर भारतीय बाजार में आती है। इसकी कीमत शुरू होती है लगभग 2,06,000 रुपये से एक शोरूम। मल्टीपल कलर के ऑप्शंस हैं और हर एक कलर वेरिएंट के अकॉर्डिंग आपको प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल टोन, डुअल टोन कलर्स मिलते हैं, प्लस ग्लोसी और मैट कलर्स मिलते हैं। तो अलग अलग कलर्स की वजह से आपको कीमत में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी फीचर्स की अगर बात करोगे तो सभी वेरिएंट्स में लगभग आपको सेम फीचर जो है वो कंपनी ऑफर करती है। अब बात करते हैं यसदी लाइनअप के लास्ट मॉडल्स की, जो कि है यसदी स्क्रैम्बलर और यसदी एडवेंचर। ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है वो उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो कि सिटी से ज़्यादा बाहर बाइक को चलाना पसंद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यसदी स्क्रैम्बलर की, तो ये एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल आपको यसदी की तरफ से देखने को मिलती है, जहां पर जो लाइटिंग सेटअप है वो कंप्लीट एलईडी आपको देखने को मिलेगा, डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, राइडिंग मोड्स आपको मिलते हैं, बेसिकली एबीएस के मोड्स कंपनी यहाँ ऑफर करती है, फुल डिजिटल मीटर है, तो बेहतरीन फीचर्स आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। और 334cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसके साथ में आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। और स्पोक व्हील के साथ में मोटरसाइकिल आती है, तो ऑफ रोडिंग वगैरह अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी देखने को मिलता है, और खास बात यह है कि यूएसबी टाइप ए और टाइप सी दोनों ही आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। तो ये हुई बात यसदी स्क्रैम्बलर की। अगर मैं एडवेंचर की बात करूँ तो एक प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल है, जहाँ पर आपको फ्रंट में 21 इंच का बड़ा स्पोक व्हील मिलता है, फुल डिजिटल मीटर है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हो, साथ ही यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसके साथ में अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करना चाहो तो वो सारी चीज़ें आप इसके साथ में कर सकते हो। अब इनकी कीमतों की अगर मैं बात करूँ तो यसदी स्क्रैम्बलर की जो कीमत है वो लगभग 2,11,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ भी आपको कलर वेरिएंट्स के साथ में कीमत में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी तरह से यसदी एडवेंचर की कीमत की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग आपको 2,15,000 से लेकर 2,19,000 रुपये के साथ में देखने को मिलती है। यहाँ भी आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिलते हैं और हर एक कलर के साथ में आपको कीमत में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। हाल फिलहाल मेरे साथ में जो ब्लैक एंड वाइट कलर है, इनकी कीमत 2,19,900 रुपये के आसपास आपको एक शोरूम मिलती है। तो क्या कुछ आपको जावा यसदी लाइनअप के अंदर देखने को मिलता है वो मैंने आपको बताया। और जावा यसदी लाइनअप को अगर आप देखोगे तो यहाँ हर तरह के कस्टमर के लिए जावा यसदी कुछ ना कुछ ऑफर करता है। जैसे कि अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलना है या फिर आपको वीकेंड राइड्स करनी है और आप सोलो राइडर हैं तो आपके लिए बॉबर जैसे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप सिटी के अंदर आपको चलना है, आपको एक अलग दिखने वाली मोटरसाइकिल चाहिए तो आप बॉबर को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एडवेंचर करना है तो फिर आपके लिए यसदी एडवेंचर है, और अगर आपको सिटी में भी चलना है, ऑफिस भी जाना है, एडवेंचर भी करना है, सब कुछ करना है तो फिर यसदी स्क्रैम्बलर जैसे मॉडल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। तो पूरा लाइनअप मैंने आपको दिखा दिया है, सभी मॉडल्स की एक शोरूम कीमत आपको बता दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, आपको कोई और जानकारी इन सभी मॉडल्स के बारे में चाहिए तो आप बस मुझे कमेंट में बताइए और मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।